नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग खास है। आज मैं अपने होम स्टे के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि बसा है नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में। मुक्तेश्वर एक जगह पड़ती है, काठगोदाम से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, भवाली से 30 किलोमीटर। तो ये मेरा होम स्टे है, चल रहा है 3 सालों से। द स्वरूप होम स्टे आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, MMT को आई वीबो पर है। समर्स में अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट होता है यहाँ पर। मई जून में भी मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाता है 27-28 और मिनिमम टेम्परेचर 5-6-7 रहता है। मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। और अभी अप्रैल मई में यहाँ पर फ्रूट्स रेडी होने लग जाएंगे, आड़ू, प्लम, खुमानी, नाशपाती, एप्पल, पियर्स, पीचेस, और काफ़ी यहाँ पर बगान है। पूरा ही जो एरिया है ये बना गांव का, आगे सूपी सुनकिया एरिया पड़ता है, ये पूरा ही एरिया फ्रूट बेल्ट है। अगर आप मई जून में यहाँ पर विज़िट करते हैं, आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे, आप ले जा सकते हैं यहाँ पे पेटियों के पेटियाँ, डायरेक्ट किसानों से ले जा सकते हैं जिनके बागान हैं, आप बागान भी विज़िट कर सकते हैं। तो आप आ सकते हैं यहाँ बहुत ईजी, या कहीं से भी आप आ रहे हैं तो आपको पहले काठगोदाम आना पड़ेगा, वाया अगर ट्रेन से आ रहे हैं और अपनी कार से भी आ रहे हैं तो काठगोदाम से आप आ सकते हैं भीमताल, और भीमताल से एक रोड कटती है खुटानी होते हुए धारी के लिए, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी आप पहले भीमताल से भवाली आएँ, और भवाली से रामगढ़ के लिए एक रोड जाती है, काफ़ी स्मूथ रोड है, चौड़ी रोड है, बहुत इजी ड्राइव है वहां पर। तो आप आ सकते हैं काठगोदाम से भीमताल, भीमताल से भवाली, और भवाली से रामगढ़ के लिए एक राइट टर्न है। तो वहाँ से रामगढ़ से होते हुए कसिया लेक एक जगह पड़ती है, छोटी सी मार्केट है, बस कसिया लेक से मुक्तेश्वर से 6 किलोमीटर पहले ही है हमारा, और कसिया लेक एक जगह पड़ती है, वहाँ से जो तिराहा टाइप का कुछ है वहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेके 1.5 किलोमीटर पे ऑन रोड प्रॉपर्टी है मेरी, बहुत ही बढ़िया, बहुत साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे टेरेस है, गार्डन है, नीचे खूब एप्पल ऑर्चिड्स वगैरह हैं, होमली कुक फूड आपको मिलेगा, एकदम घर जैसा खाना, कोई केमिकल नहीं, कलर फूड कलर एसेंस वगैरह नहीं हम यूज़ करते हैं, घर पे ऑर्डर पे ही हम लोग एकदम फ्रेश खाना बनाते हैं। तो आप अगर गर्मियों में इधर आना चाहते हैं समर वेकेशन पे, तो ज़रूर विज़िट करिए गूगल पे, और वहाँ पर पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आप आना चाहें और MMT वगैरह के थ्रू आना चाहें तो आप MMT वगैरह में जा सकते हैं। बाकी यहाँ से आसपास घूमने के लिए सामने ही, इस पहाड़ी के ठीक सामने ही आपको मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर मिल जाएगा, जो हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर है। और अगर आप कहीं घूमना चाह रहे हैं तो चौली की जाली होगी, ये भालूघाट वाटरफॉल जो कि 6-7 किलोमीटर हमारे वहाँ से पड़ता है। बाकी अगर आप डोलाश्रम जाना चाहते हैं अल्मोड़ा वाली रोड पे, तो वो भी द स्वरूप होम से 35 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप जाना चाहते हैं कैंची, तो कैंची भी हमारे वहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो लोग अगर अल्मोड़ा, जागेश्वर वगैरह भी जाना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ से 6 o'clock पे निकल जाते हैं और शाम को 6-7 o'clock पे आ जाते हैं वापस। तो अगर आप भी विज़िट करना चाहते हैं, यहाँ का होमली कुक्ड फूड खाना चाहते हैं, एकदम एकांत में रहना चाहते हैं गाँव के बीच में, तो ज़रूर आइए। यहाँ से खूब बढ़िया हिमालय व्यू भी दिखता है, क्लाउड्स देखिए एकदम आसमान पे, और नाइट व्यू तो बहुत ही बढ़िया है। जब भी आप आएँ, समर्स में भी अगर आप आ रहे हैं तो विंटर की क्लोथ ज़रूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कभी भी चेंज हो जाता है। अगर दिन में हल्की सी भी आधे या एक घंटे बारिश हो जाती है तो पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हैं तो उनके विंटर क्लोथ ज़रूर लाएँ, और अपना भी एक हल्का फुल्का विंटर क्लोथ ज़रूर रखें। बाकी मौसम बहुत ही सुहाना रहता है, दिन में हल्का सा धूप रहती है, लेकिन सुबह शाम और रात को एकदम औसम मौसम रहता है यहाँ पे। फ्रूट्स की बात करें, आप आइए यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह एंजॉय कीजिए, खूब सारे पहाड़ी, हम लोग ऑर्डर पे पहाड़ी थाल वगैरह, भटकी चुड़कानी और डुबके वगैरह भी प्रिपेयर करते हैं। तो एक बार ज़रूर मौका दीजिए आप, द स्वरूप होम्स मुक्तेश्वर में आइए, स्टे करिए, आपको बहुत ही होमली फील होगा, और बहुत पूरी प्रॉपर्टी आपको जो मिलेगी एकदम नीट एंड क्लीन हाइजीनिक प्रॉपर्टी मिलेगी। खाना, किचन वगैरह आपको बिल्कुल हाइजीनिक मिलेगा, बिल्कुल फ्रेश होमली कुक्ड फूड आपको मिलेगा।
बाकी आप गूगल में रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं और एक बार ज़रूर आइए, मैं कहूँगी। चलिए आज फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ये हमारे कुछ गेस्ट वगैरह हैं जो आके यहाँ पे रुके थे, मैंने उनके भी रिव्यू वगैरह डाल रखे हैं यूट्यूब पे, और आप जाके ज़रूर देखिए और आइए ज़रूर। मेरा तो यही मानना है, आप एक बार आइए तो आपको यह बार बार, काफ़ी गेस्ट इन 3 सीजन्स में हमारे काफ़ी गेस्ट रिपीट हो रखे हैं, तो आप भी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।